काशी से लहुरी काशी के नौपुरा स्थित गंगा घाट पर पहुंची अतुल्य गंगा मुंडमाला परिक्रमा पदयात्रा। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में अतुल्य गंगा मुंडमाला परिक्रमा पदयात्रा गुरुवार को प्रयागराज से काशी होते हुए गाजीपुर पहुंची, जहां सबका साथ हो गंगा साफ हो के उद्देश्य से यह यात्रा घाट पर पहुंची। यात्रा का स्वागत नौपुरा स्थित साईं मंदिर पर किया गया। यात्रा का स्वागत स्वामी सहजानंद महाविद्यालय की 92 यूपी बटालियन एनसीसी ने किया। महाविद्यालय की एनसीसी कैडेट्स ने निर्मल यात्रा में सम्मिलित प्रतिनिधियों को सैल्यूट कर अभिनंदन किया, माल्यार्पण कर सभी का स्वागत हुआ। इस दौरान सभी को गंगा सफाई को लेकर शपथ भी दिलाई गई, साथ ही सभी ने गंगा सफाई को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान 92 यूपी बटालियन के एडम कर्नल ओपी राय समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एनसीसी अधिकारी डॉक्टर विलोक सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार अनंग, पीआई नायक कुल बहादुर अधिकारी, नायब सूबेदार सीबी राणा, नायब सूबेदार दीनदयाल, हवलदार मेजर धर्मेंद्र, हवलदार योगेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए माँ गंगा और उसके साथ भारत देश की सभी नदियों को स्वच्छ रखने के लिए ना मैं उसमें गंदगी फेंकूंगा, ना मैं गंदा जल उसमें जाने दूंगा। मैं किसान हूँ, अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ और अतुल्य गंगा ट्रस्ट के द्वारा मिशन अतुल्य गंगा एक संदेश लेके निकला है और एक मिशन लेके निकला है जिसमें हम जुड़ गए हैं सर। अतुल्य गंगा ट्रस्ट एक एनजीओ है जो अभी जो मिशन से जुड़ा है उसमें माँ गंगा के मुंडमाल परिक्रमा में निकले हैं। वो मुंडमाल गंगा परिक्रमा में साथ साथ में हम गंगा नदी में जो भी पॉल्यूशन होता है उसके नालों की जियो टैगिंग करेंगे, उसका पानी की गुणवत्ता का टेस्ट करेंगे जो दिखाएगी कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है, और वो जितने भी नाले हैं वो सारा का टैगिंग करेगी। हम ये यात्रा 16 दिसंबर प्रयागराज से स्टार्ट किया, आज यहाँ गाजीपुर में है और ये बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक जाएगी। गंगा सागर के दूसरे छोर से निकल के सीधी चलती हुई वो गंगा गौमुख है वहाँ जाएगी, वहाँ से दूसरे छोरे पे वापस प्रयागराज आएगी। ये यात्रा कम से कम 15 अगस्त के दिन या उसके आसपास में पूरी होने की संभावना है।